देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बड़ी खबर, भाजपा नेता पर लोगों ने लगाए दबंगई के आरोप। भाजपा नेता पर सड़क उखाड़ रास्ता बंद करने के आरोप। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मदनवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में विपक्ष के उत्पीड़न का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि करगी थाना इलाके के मोजमपुर गांव के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने दलित बस्ती की तरफ जाने वाले रास्ते की सड़क को उखाड़ कर अपने कब्जे में ले लिया। सबसे चौंकाने वाली बात इस पूरे मामले में यह है कि जिस गांव में वारदात हुई है वह कौशाम्बी डीएम का गोद लिया हुआ गाँव है। एक पक्ष का रास्ता उखाड़ कर रास्ता बंद किए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक मामले में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानंद में अधिकारी अब मीडिया के सामने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि कौशाम्बी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक गांव मोजमपुर साल 2015 में यह गांव उस समय आम गांव से खास हो गया था जब डीएम कौशाम्बी ने इस गांव को गोद लेकर इसके कायाकल्प की पहल शुरू की। गाँव अपने बुनियादी बदलाव के दौर से गुजर ही रहा था कि 3 दिन पहले गाँव के ही बीजेपी कार्यकर्ता अंगद कुशवाहा पर दलितों ने आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि उनके घर की ओर जाने वाली सड़क को उखाड़ कर अंगद ने उनकी इंटरलॉकिंग ईंट अपने कब्जे में ले ली है। दलित बस्ती के लोगों ने इस घटना की शिकायत पुलिस से लिखित में की, लेकिन मामला सत्ताधारी दल से जुड़ा होने के कारण पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करने की जगह हाथ पर हाथ धरे बैठे रही, जिसका नतीजा यह है कि दलित बस्ती के 35 घरों का रास्ता बंद हो गया है। दलित बस्ती का रास्ता बंद कर सड़क उखाड़े जाने का मामला जब शिकायत के जरिए प्रशासनिक अफसरों तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। मामला बीजेपी के कार्यकर्ता से जुड़ा होने के कारण जिन अफसरों पर कार्रवाई का जिम्मा था वह फूक फूक कर कदम रखने लगे हैं। बिना कैमरे के सामने आए बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि मोजमपुर गांव की दलित बस्ती की सड़क साल 2013 में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुशवाहा ने 88 मीटर सड़क की इंटरलॉकिंग कराकर दलितों के बस्ती में जाने का पक्का रास्ता दिया था। पूरा मामला मीडिया के सामने आने के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारी बच रहे हैं, तो वहीं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी एलएन खरे की जांच में मामला सही पाए जाने के बाद कड़ी कार्रवाई के स्थान पर आरोपी अंगद को सड़क ठीक करने का नोटिस दिए जाने की बात कह रहे हैं। कड़ी कार्रवाई के सवाल पर अपर मुख्य अधिकारी एलएन खरे ने दावा किया कि निर्धारित समय में यदि सड़क सही नहीं कराई गई तो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से शिवशंकर मदनवाल की रिपोर्ट। सब यहाँ के बड़े लोग हैं और सड़क उखाड़ लिए हैं। हम दलित हैं, हमको नहीं रहने को नहीं जगह नहीं ना ये मुस्लिम करने को, हमको छाल दिवाली उछाली कहे कि तुमको रहने न देवे। हमको बड़ी मुसीबत ही, बहुत परेशानी है साहेब। शिकायत करे गए हैं, हमको कोई सुनाई न भाई साहेब। बच्चलाल और कुशवाहा और अंगद लाल कुशवाहा ये सब रोड उखाड़े थे सर, और हम लोग को धमकी भी दे रहे थे सर। ये बीजेपी के ज्वाइंट नेता हैं, उसमें हमको धमकी दे रहे हैं कि हम केशवलाल मौर्य से ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, आपको पैक करा देंगे, आपका जो का हमसे पंगा लेंगे तो आपको हम राइफल और गोली बंदूक ऐसा दिखा रहे हैं सर। हम डर डर के सकल भाग रहे हैं अभी, उसमें हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। हमको धमकी दिया, ये रोड उखाड़ लिया है सर कल रात को, और वोट भी सरकारी वोट लगा था उसको भी निकाल दिए हैं। दिक्कत हो रही सर, इतना दिक्कत हो रही हम लोगों को कि बच्चे गिर जा रहे हैं, बच्चे जा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, बूढ़े लोग गिर जा रहे हैं यहाँ पे। हमको कह रहे हैं कि चाहे कितना भी पैसा लग जाए रोड के बरोबर आपको निकलने नहीं देंगे इधर से। इसमें मेरे द्वारा अपने इंजीनियर सहायक अभियंता और विधा से जांच करा ली गई है, और इसमें अंगत सिंह कुशवाहा को नोटिस भेजा जा रहा है जिनके द्वारा ये सड़क उखाड़ी गई है, और 2 दिन में अगर ये सड़क निर्माण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज और RC की कार्रवाई की। देख रही है क्राइम स्टोरी।